मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत शुक्रवार को कसरावद जनपद के गौला में देवउठनी ग्यारस के शुभ अवसर पर 86 जोड़ों का विवाह कराया गया। विवाह में गायत्री परिवार के पंडितों ने मंत्रोच्चार के साथ नवविवाहितों को नव जीवन के साथ फेरे दिलाए। नवविवाहितों को राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती अनुबाई तंवर, स्थानीय विधायक श्री सचिन यादव, जिला पंचायत सीईओ श्रीमती ज्योति शर्मा, एसडीएम श्री अग्रिम कुमार, जनपद सीईओ श्रीमती मीना झा ने आशीर्वाद दिया। डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी ने इस अवसर पर ग्रामीणों को शराब छोड़ने एवं बेटी शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कही, तो कांग्रेसी विधायक सचिन यादव ने वर वधु के माता पिता को धन्यवाद दिया कि उन्होंने अपने बच्चों का विवाह सामूहिक विवाह समारोह में करवाकर समाज को विवाह समारोह में होने वाले खर्च को कम करने का संदेश दिया। जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि के रूप में बोलते हुए श्री राजेश तंवर ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के भव्य स्वरूप की तारीफ करते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से आप अमीर और गरीब का भेद मिट गया है। वर वधु को शासकीय उपहार में कलर टीवी, रेडियो और सिलाई मशीन दी जाएगी। शासकीय योजना अंतर्गत कुल 38,000 रुपए की राशि के उपहार देने का प्रावधान है। कसरावद से अखिल खान की रिपोर्ट। आज ऐसा शानदार कार्यक्रम हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी के जनकारी योजनाओं के द्वारा किया जा रहा है। आप बताइए, हाईटेक सारी सुविधाएं, ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करने वाले हमारे मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी को मैं हृदय से नमन करता हूँ, जिनने कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बात नहीं करी है, करके दिखाया है और वहां तक पहुंचा है जहां तक पंक्ति का अंतिम व्यक्ति खड़ा है। अंतिम व्यक्ति को भी वो सब कुछ मिलेगा जिसकी बातें बड़ी बड़े स्टेज पर बड़े बड़े लोगों के द्वारा की जाती है। मैं वर वधु के लिए भी बोल रहा हूँ कि चारों तरफ खुशहाली होगी, मुस्कानों से भरा पल होगा, दीप जलेंगे आशाओं के, आज से भी सुंदर कल होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलो संत सिंगाजी महाराज की। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।